गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कौशलेंद्र कुमार, स्वागत है आपका इस चैनल पे। इस चैनल का नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे स्लोप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये स्ट्रेट लाइन का चौथा पार्ट होगा। इसके पहले तीन वीडियो और बनाए जा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, व्यूअर्स बढ़ाइए। मैं इसी प्रकार से अच्छा अच्छा कंटेंट आपको देते रहूँगा। तो आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि आज का लेक्चर स्टार्ट हो, हम पीछे का सारे बात फिर से बता चुके हैं, बता रहे हैं फिर से। तो हमने शुरुआत किया था स्ट्रेट लाइन के सेक्शन में स्लोप, स्लोप से संबंधित बात, स्लोप से संबंधित बात जितनी भी थी उन सबको मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। तो हमने सबसे पहले बताया था कि यदि कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाता है तो m बराबर tan थीटा होता है और इसी को कहते हैं स्लोप, जिसको कैलकुलस की भाषा में dy/dx कहते हैं। फिर दूसरी बात हमने बताया था कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट क्रमशः x1/y1 और x2/y2 हैं तो इनका स्लोप का फॉर्मूला होता है y2-y1/x2-x1। इसके बाद हमने बताया था कि एक्स एक्सिस अगर कोई लाइन है खुद तो इनका स्लोप होगा जीरो। एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन का भी स्लोप होगा जीरो। वाई एक्सिस का स्लोप होता है अनडिफाइंड, जिसको लिखते हैं 1/0। वाई एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन का भी स्लोप होता है 1/0, यानी अनडिफाइंड। फिर हम आपको बताए थे कि यदि दो लाइन जिनके स्लोप क्रमशः m1 और m2 है और इनके बीच का एक्यूट एंगल थीटा है तो tan थीटा बराबर होगा मॉडुलस ऑफ m1-m2/1+m1×m2। इतनी बात पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि इन सब फॉर्मूला पर आधारित कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न। बेहतर होगा कॉपी कलम साथ में लेकर के बैठिए और एक एक सवाल को उतारिए, लिखिए और बनाइए। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया अंत अंत तक तो स्लोप से रिलेटेड सवाल आपसे नहीं छूटेगा। तो हम सवाल शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप या फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3-1 एंड 4-2। 3-1 एंड 4-2। एक बार फिर से सवाल समझिए। सवाल है फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3-1 एंड 4-2। हम देखेंगे यहाँ पर इन दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या होगा। तो देखिएगा, समझिएगा, मन से बात को समझिएगा। अगर हम इसका एक्चुअल प्लॉट करें पॉइंट का तो अभी सवाल बढ़िया बनेगा। अगर अंदाज से बनाते हैं तो सवाल गलत हो जाएगा। जरा बढ़िया से देखिएगा इस सवाल की बारीकी में। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है सीखने के लिए। देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गया और कहता है कि एक पॉइंट है 3-1। ये आपका 3-1 पॉइंट कहाँ होगा भाई? देखिए, एक्स का मान 3 और वाई का मान -1, आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। और एक है 4-2, मान लीजिए ये 4 है, ये -2 है, तो आपका ये लाइन है, यानी हमको ये लाइन मिल रहा है जिसमें एक पॉइंट है 3-1 और एक पॉइंट है 4-2। तो इस लाइन के बीच का एंगल कौन होगा? जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान हम ये एंगल हमेशा होता है लाइन का जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना है, यानी ये एंगल निकालना है आपको।
तो ये एंगल निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे भाई, सीधा सीधी देख लेंगे कि इस लाइन का स्लोप है क्या, तो स्लोप के हिसाब से हम थीटा का मान निकाल लेंगे। तो देखिए इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा उसको लिखते हैं एम से, तो एम बराबर होगा आपका, ध्यान दीजिए, बाय टू माइनस बाय वन, यानी माइनस टू माइनस माइनस वन, बटा एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी चार माइनस तीन। एम को क्या कहते हैं, टेन थीटा, बराबर होगा माइनस टू प्लस वन बटा वन। थीटा क्या होता है भाई, तो थीटा होता है एंगल मेड बाय द लाइन इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी ये हो गया माइनस वन बटा वन। अब देखिए टेन थीटा का मान माइनस वन हो गया, इसका मतलब टेन थीटा निगेटिव होगा, बात को समझिएगा, टेन थीटा जब निगेटिव है तो या तो ये सेकेंड में होगा या फिर फोर्थ में होगा, आप एंगल 180 से ज़्यादा नहीं ले सकते। एक लाइन पर जो एंगल बनता है तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल निकालने का टेक्निक होता है पाई माइनस थीटा, थीटा मतलब वह जिसमें टेन का मान होता है वन, यानी 45 डिग्री, यानी आप पाई माइनस 45 डिग्री को लिखते हैं पाई बाई फोर, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई फोर, यानी टेन थीटा बराबर टेन 3 पाई बाई फोर, यानी थीटा बराबर 3 पाई बाई फोर, इसी को कहते हैं 135 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। तो इस सवाल का जवाब हो गया, आंसर हो गया 135 डिग्री। सवाल अलग से नोट कीजिएगा और फिर से घर में एक बार बनाइए अपने मन से, जरा ध्यान दीजिएगा फिर से इस सवाल को। आइए इसको हम एक और मेथड से बताने का कोशिश करते हैं। अब हम लगाते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन, उसके हिसाब से, उस फॉर्मूला के हिसाब से इसमें हम सवाल बनाते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा क्या होगा भाई, समझ लीजिए, एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस का स्लोप मान लेते हैं कि एम वन है, तो एक्स एक्सिस का स्लोप हो गया जीरो, और लाइन का जो लाइन पास कर रहा था आपको 3, -1 और 4, -2, इनके स्लोप को हम मान लेते हैं एम टू, तो इनका स्लोप हो जाएगा, ध्यान दीजिए, बाय टू माइनस बाय वन, यानी माइनस टू माइनस माइनस वन, यानी माइनस टू प्लस वन, यानी माइनस वन, और ये हो जाएगा 4 -3, यानी वन, यानी माइनस वन। अब दो लाइन हो गया, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल हमको निकालना है, तो मान लेते हैं इनके बीच का एंगल थीटा है, तो फॉर्मूला होगा टेन थीटा बराबर एम वन माइनस एम टू बटा वन प्लस एम वन गुना एम टू, यानी टेन थीटा बराबर होगा एम वन हो गया आपको जीरो माइनस एम टू हो गया माइनस वन बटा वन प्लस एम वन गुना एम टू, एम वन हो गया जीरो, जीरो में कोई चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मिल जाएगा, यानी टेन थीटा बराबर हो गया वन बटा वन, यानी वन, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये आंसर अगर मारते हैं तो आपको गलत हो जाएगा, इसलिए हमने कहा था कि पॉइंट का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन निकालिए, ये कौन सा थीटा निकल गया, ये थीटा निकल गया, पर आपको तो निकालना था ये, तो ये जब निकल गया 45 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा 135 डिग्री, यानी एंगल जो है 45 डिग्री ना हो करके 135 डिग्री होगा। ये बेहद कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, इसको आप 2-3-4 बार देखिए तब बात को समझ में आएगा कि क्या बताया जा रहा है। आमतौर पर इसका जवाब लोग 45 डिग्री दे देते हैं, पर 45 नहीं होगा 135 होगा। उम्मीद है कि आप इस सवाल को सीख गए होंगे। दूसरे सवाल की ओर मूव करते हैं, इससे पहले मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोग सिर्फ व्यू कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कीजिए, चैनल आगे बढ़ाइए, हम लोगों का मनोबल बढ़ता है जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूअर्स बढ़ते हैं, और अच्छे अच्छे सवाल आपको कराते रहेंगे एक एक टॉपिक का। चलिए आज के वीडियो लेक्चर का दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेज थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स
joining the points, joining the points A0, -4 and B8, 0। उम्मीद है सवाल आप समझ गए होंगे। सवाल कहता है कि किसी ऐसे लाइन का स्लोप निकालिए जो पास करता है ओरिजिन से, ओरिजिन से पास करता है, ये आपका ओरिजिन है, यहाँ से पास करता है और एक लाइन सेगमेंट 0, -4 और 8, 0 के मिड पॉइंट से पास करता है। सवाल को बढ़िया से समझिए। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। इन दोनों पॉइंट के मिलाने वाले लाइन का मिड पॉइंट और ओरिजिन से होकर जाने वाले लाइन का स्लोप निकालना है, यानी इस लाइन का स्लोप निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो पहले हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर कोई लाइन x1/1 और x2/2 से पास करता है तो इसके मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो ये हो जाएगा 0 + 8/2 यानी 4, फिर -4 + 0 यानी -2/2 यानी -1। यानी अब आपका सवाल हो गया कि किसी ऐसे लाइन का स्लोप निकालिए जो पास कर रहा है, पास कर रहा है कहाँ से? ओरिजिन से और मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट क्या मिल गया? 4 - 1। तो इनका स्लोप क्या होगा भाई? तो y2 - y1 / x2 - x1 यानी -1/4। ये आपका आंसर हो गया। फिर से ध्यान दीजिए। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A0, -4 एंड B8, 0। तो देखिए पहले इसका मिड पॉइंट निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 8 + 0/2 यानी 4, फिर होगा -4 + 0/2 यानी -4 + 0 यानी -4/2 यानी -2 हो जाएगा। -4 + 0 -4/2 यानी -2, तब ये लाइन हो जाएगा -2। ऐसे 0, 0 और 4 - 2, तो स्लोप क्या होगा? -2 - 0 / 4 - 0 यानी -2/4 यानी -1/2। अब आपका ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं सवाल सीख गए होंगे। फिर से देख लीजिए, सवाल बहुत आसान था। सवाल था कि एक लाइन है जो ओरिजिन से पास करता है और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट से पास करता है, तो इस लाइन का स्लोप क्या निकालेंगे, स्लोप कैसे निकालेंगे? तो हम पहले मिड पॉइंट निकाल लिए। मिड पॉइंट होगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2 और इस प्रकार से स्लोप निकालते हुए फाइनल हमको आंसर मिल गया -1/2। तो इनका आंसर आप लिख लीजिए -1/2। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। अंत अंत तक देखिए, बढ़िया बढ़िया सवाल करवाएंगे। कैलकुलेशन को अपने से करने के लिए सीखना चाहिए, कंसेप्ट को पकड़ना चाहिए। फिर भी ध्यान दीजिए, अगर कहीं कोई परेशानी होता है तो कमेंट्स कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस वीडियो लेक्चर का तीसरा सवाल, सवाल कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30° विथ बाई एक्सिस measured anti-clockwise। सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल, कंसेप्चुअल सवाल, सीखना चाहिए आपको।
कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ बाई एक्सिस। ध्यान दीजिए, ये बाई एक्सिस के साथ एंगल है। अभी तक हमने जो बताया उसमें आपको बताए कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है तो टेन थीटा को कहते हैं स्लोप, जिनका सिंबल होता है एम। ध्यान दीजिएगा बात को, ये एंगल एक्स एक्सिस से होता है, लेकिन अभी जो आपका सवाल बोर्ड पर दिख रहा है इसमें एंगल बनाया जा रहा है बाई एक्सिस के साथ। जब बाई एक्सिस के साथ एंगल बनाएंगे तब स्लोप कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, और कोई लाइन है जो बना रहा है बाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का कोण एंटी क्लॉकवाइज में। तो देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, तो ऐसा कुछ लाइन होगा, यानी बाई एक्सिस के साथ ये एंगल है 30 डिग्री, समझ लीजिए बात। तो इस लाइन का स्लोप हम तब निकालेंगे जब इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ मिले, यानी ये एंगल फाइंड करना है। अब आप ज्योमेट्री लगा करके इस एंगल के बारे में गेस कीजिए कि कितना हुआ होगा। चलिए हम बता देते हैं आपको, यहाँ से आप एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दीजिए। अब देखिए, ये एंगल और ये एंगल हो गया वर्टिकली ओपोजिट एंगल, ध्यान दीजिए ये 30 डिग्री हो गया। अब देखिए, ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 और 30 120, तो ये हो जाएगा 60, त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री। तब जब ये 60 डिग्री हो गया तो ये कितना हो गया 120 डिग्री हो गया, यानी हमको निकालना है किसी ऐसे लाइन का स्लोप जिसका एंगल हो गया 120 डिग्री, कहाँ के साथ, तो एक्स एक्सिस के साथ, किस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब हमको निकाल देना है स्लोप, तो स्लोप बराबर होता है टैन थीटा, यानी टैन 120 डिग्री। टैन 120 को आप लिख सकते हैं 90 प्लस 30, ये आपको आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, जहां टैन होता है नेगेटिव, और ये 90 का ऑड मल्टीपुल है, जहां टैन बदलेगा कॉट में, तो ये हो जाएगा कॉट 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री का मान -√3 होगा, यानी इस सवाल का जवाब होगा -√3। इसको कम से कम 4 से 5 बार अपने बनाइए। जब बाई एक्सिस के साथ एंगल बनाता है तो सवाल बनाने में लड़कों को परेशानी होती है, हमने पूरा क्लियर कर दिया। अगर और दिक्कत है तो दूसरे ज्योमेट्री को लगा कर करके आप उस एंगल को निकालिए, एक बार पुनः देखिए, लाइन है जो बाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाता है, स्लोप निकालने के लिए आप 30 डिग्री मत पुट कर दीजिए, ये बाई एक्सिस के साथ है भाई, एंगल एक्स एक्सिस के साथ चाहिए, तो ये एंगल निकालना होगा। तो ज्योमेट्री लगा दीजिए, तो ये एंगल हो गया 30, तब सोचिए ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 30, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 60, तो ये 60 हो गया, आई कितना हो जाएगा, तो देखिए दो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों का जोड़ 180, तो ये फिर से हो गया 120। कैसे भी निकाल सकते हैं आप, बहुत आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और भी दूसरा तरीका लगा सकते हैं इस एंगल के लिए, देखिए जब ये 30 है तो देखिए ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल 90 और 30 120। अब देखिए ये ट्रांसवर्सल हो गया और ये दोनों पैरेलल, तो ये दोनों एंगल कौन सा एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये 120, तो ये भी 120, यानी हर हाल में एंगल आपको मिल रहा है 120 डिग्री, और इसका आप स्लोप निकाल रहे हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे से सवाल सीख रहे होंगे, इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहिए, और किसी भी किताब को आप बनाइए, कोई भी किताब बनाइए, लेकिन पूरा किताब बनाइए, चाहे आप आर एस अग्रवाल ही क्यों ना बनाते हो, आर डी शर्मा ही क्यों ना बनाते हो, केसी सिन्हा का ही किताब क्यों ना बनाते हो, कुछ भी बनाइए पर पूरा बनाइए और वीडियो को देखते रहिए। कहीं असुविधा होती है तो फिर से प्लेलिस्ट में जाइए, पीछे बनाए हुए वीडियो को गंभीरतापूर्वक देखिए और सवाल बनाइए। एक और सवाल देखते हैं, आज के वीडियो का ये आखिरी सवाल होगा, चौथा नंबर सवाल है, कहता है इफ द एंगल बिटवीन द लाइंस, इफ द एंगल बिटवीन द लाइंस, इफ द एंगल बिटवीन द लाइंस
2x माइनस y बराबर 1 एंड ax प्लस 2y बराबर 4 ax प्लस 2y बराबर 4 इज 45 डिग्री देन a बराबर ऑप्शन है आपका ए में -2/3, -2/3, बी में 6, सी में बोथ, डी में नन। ये एक और बेहतरीन सवाल, ध्यान दीजिए, कह रहा है दो लाइन दिया हुआ है, इसके बीच का एंगल है 45 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, थ्योरी पहले, सवाल बाद में बताएंगे। हमने कंसेप्ट बताया है पीछे वाले लेक्चर में, आप जाके देख सकते हैं कि अगर कोई लाइन ax जोड़ by बराबर c है तो इनका स्लोप होता है -a/b। ax जोड़ by बराबर c है तो इस लाइन का स्लोप होगा -a/b। इसी का ध्यान में रखते हुए हम सवाल बनाएंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, पहला लाइन दिया हुआ है 2x-y=1, तो इनके स्लोप को हम मान लेते हैं m1। तो m1 बराबर क्या होगा भाई, -a, a कितना x का गुणक 2, अब बटा b कितना y का गुणक, y का गुणक -1 है तो आपका हो गया 2। दूसरा लाइन है ax जोड़ 2y=4, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनके स्लोप को हम m2 मान लेते हैं, तो m2 बराबर होगा -a/b यानी -a/2। ध्यान दीजिए बात को फिर से, पहले लाइन का स्लोप मिल गया 2, दूसरे लाइन का स्लोप मिल गया -a/2, और सवाल कह रहा है क्या कि इनके बीच का एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, यानी इसका मतलब होगा कि हम फॉर्मूला लगाएंगे tan θ = m1 - m2/1+m1 × m2। m1 का मान मिला हुआ था, नहीं मिला हुआ है तो फिर से देख लीजिए, थीटा का भी मान दिया हुआ है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री = m1, मतलब पहले लाइन का स्लोप यानी -a/b पहले निकाल दिए थे हम, लेकिन दोबारा बता देते हैं, -2/-1 यानी +2, -m2 हो गया, देखिए -a/b यानी -a/2 डिवाइडेड बाई 1+m1 × m2, m1 हो गया 2 और m2 हो गया -a/2। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, बराबर मॉडुलस, यहाँ 2 LCM ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2 × 4, -a, और ये वाला 2 रह जाएगा, ये 2 से 2 आप काट दीजिए तो नीचे बच जाएगा 2 times ऑफ कितना, 1 - a। अब ध्यान दीजिए बेसिक बात को, हर वीडियो लेक्चर में हम बताते हैं कि अगर मॉड एक्स बराबर ए है तो एक्स बराबर होगा +-a, यानी जब इसको हटाएंगे तो +a भी होगा और -a भी होगा। तो पहला केस लेते हैं, जब हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए 4+a/2 -2a = 1, यानी 4+a = 2 - 2a, यानी 4 - 2 यानी 2 बराबर -2a और -a यानी -3a। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a = -2/3, तो एक आंसर -2/3 है। अभी आंसर मत मार दीजिए, ये जल्दी का काम शैतान का, हम लोगों के घर में ये कहावत है, हड़बड़ मत कीजिए, सब गड़बड़ हो जाएगा, जल्दी का काम शैतान का भाई। तो ए बराबर -2/3 नहीं, एक आंसर हुआ है, अब हम दूसरा भी देखेंगे, अगर दूसरा भी होगा तो बोथ मारेंगे, नहीं होगा तो ये मारेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे। अभी हम नेगेटिव साइन ले लेते हैं यहाँ से, तो मिल जाएगा 4+a/2 - 2a = -1। यहाँ से देखिए भाई क्या हो जाएगा,
फोर प्लस ए बराबर ये हो जाएगा माइनस टू और ये हो जाएगा प्लस टू ए। अब इधर ले आइए चार में से चार और दो छः हो जाएगा और दो ए में से एक ए गया तो ये बराबर छः। आप देख रहे हैं ए बराबर छः भी आंसर है तो आंसर हो जाएगा बोथ। इस सवाल को फिर एक बार देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का आपका ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। पूरे तरह से पूरे दोस्तों के साथ वीडियो को देखिए, लोगों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।